कह रहा हूँ रात को, इस रात को जो याद है, जो मौत का मंजर था, उस मंजर को देखने वाले की रूह कांप जाती। और मैं कहना चाहता हूँ कि कहाँ इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ? मुझे बड़ा दुख हुआ, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है संवेदनशील सरकार, कहाँ है? और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सैकड़ों कर्मचारी रात को मौत के मुंह में थे। और हमें बड़े दुख की बात है, 40 दिन से लगातार अपने 30 वर्षों की मांगों को, पीड़ाओं को, न्यायोचित मांगों के लिए बैठे हुए इस मंत्रालय वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही है। बड़ा कहते हुए दुख लगता है, उस मौत के नज़ारे में रात को 4 बजे तक हम लोगों ने हमारे वालों को बचाया और सुबह केवल 2 घंटे सोए हैं। और आप देख रहे हो इस पंडाल को वापस खड़ा कर रहे हैं, हमारा जोश खत्म नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ इस संवेदनशील सरकार को, हमने खून भी दिया, हम अनशन पे भी बैठे सिर्फ और गांधीवादी तरीके से यह मंत्रालय वर्ग पिछले 40 दिनों से अपनी न्यायोचित मांगों के लिए अड़ा हुआ है। और हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। 2013 में गहलोत साहब आपने ही दिया था, जो पूर्ववर्ती सरकार ने छीना है। क्या गलत मांगा हमने 2013 में? आपने क्या दिया, आप खुद पूछे ना अपने OSD से, इन सब से। हमने क्या गलत मांगा है? हमारे योग्यता सेम, नियुक्ति की प्रक्रिया शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सेम होने के बावजूद हमारा ही एक भाई सचिवालय में जाता है, हम अधीनस्थ में आते हैं और हमारे वेतनों में इतनी विसंगतियाँ। क्या गलत मांगा हमने? क्या गलत मांगा? सचिवालय के बराबर मांग के क्या गलत मांगा? एक माँ के 2 बेटे हैं, एक को तो आप खीर खिला रहे हो और दूसरे को पानी, रोटी। ये क्या तरीका है? कहाँ से गलत है हमारी मांगे? आप अपनी टीम को